ये गेट खुले है क्या? ये गेट इधर जा रहा है। What the fuck? भाई कहाँ पे जा रहा है मेरे को? ओ वो गेट। Hi everyone, मैं जस्ट थोड़ी देर पहले अपने डॉक्टर से मिल के आया। मेरा लास्ट 5-6 दिनों से आई थिंक सो ये 8वां दिन है मेरा, 8 दिनों से थोड़ा सा तबीयत खराब था। एक्चुअली मेरे को कफ हो गया था, कोल्ड एंड कफ, उसकी वजह से मैं सही से बोल नहीं पा रहा था और उतने दिन से मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था, तो मैं बहुत दिनों के बाद अभी बैठा हूँ ये रिकॉर्ड करने के लिए। सो आज के हम लोग खेल रहे हैं पॉपी प्ले टाइम। मेरे को एक्चुअली डॉक्टर बोला है कि मैं ज्यादा तेज चिल्लाऊ ना, ठीक है, लेकिन तब भी मैं इतना पागल हूँ कि मैं 8-9 दिनों के बाद जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं एक हॉरर गेम की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बात करते हैं पॉपी प्ले टाइम के बारे में। सो जैसे कि तुम लोग को नाम दिख रहा है पॉपी प्ले टाइम, ये मैं एक्चुअली तुम लोग से हर वीडियो में ये नहीं बोलता हूँ कि तुम लोग वीडियो को ईयरफोन लगा के एंड बिल्कुल आराम से माहौल में देखो, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं तुम लोग से बोल रहा हूँ। सो तुम लोग इस ये वीडियो को देख रहे हो, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, आई गेस 20 या 30 मिनट की। तो आई रिकमेंड कि तुम लोग अपने कान में ईयरफोन लगा के रखो एंड बड़ी स्क्रीन में इस वीडियो को देखो, बिकॉज आज के दिन हम लोग खेल रहे हैं पॉपी प्ले टाइम द हॉरर गेम। ओ ब्रो, मैंने जस्ट अभी इस पे क्लिक किया है एंड द म्यूजिक। ये म्यूजिक उस तरीके की वाइब दे रहा है जैसे कि जब कोई गाना स्टार्ट होता है ना, उससे पहले अपन बोलते हैं यार दिस एल्बम, ये एल्बम मैं अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से बना रहा हूँ जिसने मेरे को छोड़ दिया था, लाइक उस टाइप का। बट म्यूजिक से तुमको एक क्रीपी वाइब आ रहा है जैसे कि तुम लोग देख रहे होगे। सो पॉपी प्ले टाइम के बारे में मेरे को कुछ नहीं पता है एंड आई डोंट नो ये कितना हॉरर गेम है, बट आई सी एवरीवन इज प्लेइंग पॉपी प्ले टाइम, पॉपी प्ले टाइम, पॉपी प्ले टाइम, हर कोई पॉपी प्ले टाइम खेल रहा है। तो मैंने सोचा ये एक न्यू हॉरर गेम है, 2-3 दिन पहले ही आया है एंड मेरे को ट्राई करना चाहिए। सो लेट्स गो प्ले। व्हाट द हेक ब्रो, ब्रो ये सोनिक है क्या? सोनिक को उन्होंने कुछ ज्यादा ही गड़बड़ तरीके से बना दिया है। आई डोंट नो। सो इट्स चैप्टर 1 अ टाइट एक्सक्यूज। ओके, एज एन एक्स एम्प्लॉय ऑफ प्ले टाइम को यू फाइनली रिटर्न टू द फैक्ट्री मैनी इयर्स आफ्टर एवरीबॉडी विद इन डिसअपीयर्ड। ओके, सो मैं इस कंपनी का playtime.company जो है उसका काम करने वाला एक एक्स एम्प्लॉय हूँ एंड मैं बहुत साल के बाद दोबारा से इस फैक्ट्री में आया हूँ और इस फैक्ट्री में जितने भी काम करने वाले जो लोग थे ना, वो सारे लोग डिसअपीयर्ड हो गए, यानी गायब हो चुके हैं फैक्ट्री के अंदर ही। ब्रो इफ मैं ये गेम में रो दिया ना, मैं पहली बार तो बहुत रोता हूँ हॉरर गेम्स में, ठीक है, और मेरे को अभी से लग रहा है कि दिस इज समथिंग। इस तरीके का क्लाउन अगर मेरे रात में मेरे को दिख गया ना, मैं मर जाऊंगा भाई उसी समय। ओके, न्यू गेम। ओके, ये कोई वीडियो आ रही है। यू आर अबाउट टू सी द मोस्ट इनक्रेडिबल डॉल एवर इन्वेंटेड। आप देखने वाले हैं सबसे इनक्रेडिबल डॉल। And she is the first truly intelligent doll in the world. Oh. A little girl can talk to her. Poppy gives her answers. She is the first doll actually able to have a conversation with a child. What? I don't believe you. Hard to believe? Yeah, I don't believe you. Just watch. Okay. So, ye bol raha hai ki ye jo doll tum log ko dikh rahi hai na, ye wali, ये एक असली डॉल है। ये असली गर्ल तरीके की है, ये बात भी कर सकती है। ये कहना चाह रहा है ये डॉल के अंदर एक आत्मा है। Why, of course, Poppy. ये बोल भी रही है ये डॉल। Just like a real girl, Poppy always wants to look her best. Perfect. Thank you. Okay, her hair is dirty Poppy, and won't come out when you brush it. And smells just like a poppy flower. Okay, ये I think advertisement है. Anything else you'd like to say, तो Poppy? ये एक डॉल थी पॉपी प्ले टाइम, ठीक है, पॉपी नाम की। ये डॉल के अंदर एक आत्मा थी, तुम इस डॉल से खुद बात कर सकते हो। And if you've ever wanted to see how all of the nation's favorite toys were created, Playtime Go is now offering factory stores at $2.99 a person. An entire hour in the most magical toy factory on earth. What are you waiting for? Come visit the factory. Okay. Oh. अटक गई मेरी वीडियो, व्हाट? मेरा गेम अटक गया क्या? कि भाई फैक्ट्री का नाम लिया, वैसे ही कुछ गड़बड़ है। इट मींस फैक्ट्री में कुछ गड़बड़ है। पॉपी प्ले टाइम। हो
एवरीवन थिंक्स द स्टाफ डिसअपीयर्ड 10 years ago. सबको लगता है जो स्टाफ है वो 10 साल पहले गायब हो गया. वी आर स्टिल हियर. ओ लेकिन स्टाफ गायब नहीं हुआ है. अपने को स्टाफ को बचाना है. वो अभी भी फैक्ट्री के अंदर है. मेरे को फ्लावर को ढूंढना है. फाइंड द फ्लावर. ओके आई गेस मैं आ गया गेम के अंदर. वेलकम. ओके सो अभी तक अगर तुम लोग को समझ में नहीं आया है, जो हम लोगों ने अभी फर्स्ट टेप देखा, फर्स्ट वीडियो देखा, उस वीडियो में बताया जा रहा है कि इस फैक्ट्री के अंदर जो है ना टॉयज बनाए जाते हैं बहुत सारे, और उन्हीं टॉयज में से एक टॉय है जिसका नाम है पॉपी. पॉपी इतना अच्छा टॉय है कि उसके अंदर एक आत्मा टाइप की है. अगर तुम उससे बात करोगे तो पॉपी तुमसे बात करेगी, ठीक है ना. उसकी इच्छाएं होती है, वो तुमसे बोलेगी कि मेरे बाल सही करो, मेरे पैर साफ करो, जैसे कि तुम लोगों ने क्लिप में देखा था. ब्रो इस साइड से मेरे को आवाज आ रहा है कोई. ओके ऊपर एक ट्रेन चल रही है. ये ट्रेन है ग्रीन पिंक येलो रेड. भाई कुछ ज्यादा ही अजीब कलर है भाई ग्रीन पिंक येलो रेड इस ट्रेन के. सो जैसे कि मैं तुम लोग से बोल रहा था, तो वो जो पॉपी डॉल है ना वो इसी फैक्ट्री में बनाई जाती है. जब वो डॉल बनी उसके बाद इस फैक्ट्री में जो काम करने वाले लोग थे ना वो सारे लोग गायब हो गए फैक्ट्री से. सो इस फैक्ट्री के अंदर सारे लोग गायब हो गए हैं और इस फैक्ट्री के अंदर अभी भी पॉपी है. मेरे को इस चैप्टर 1 के अंदर एक फ्लावर ढूंढना है. ओ भाई कितना अंधेरा है. लेकिन मेरे को आई थिंक यहाँ तक पहुँचना है. मेरा हाथ इतना बड़ा है ही नहीं भाई. ये गेट खोलने के लिए मेरे को यहाँ तक पहुँचना है, बट मेरा हाथ इतना बड़ा नहीं है. आई गेस मेरे को कहीं तो जाना है. स्टाफ ओनली. ओके ये गेट है, लेकिन इस गेट के लिए ओके ये गेट बंद है. आई गेस मेरे को इससे पासवर्ड ये कोई तो कलर दबाने पड़ेंगे. ओके आई गेस इसका तो कोई कोड है, कोई तो कलर्स मेरे को दबाने पड़ेंगे तब ये गेट खुलेगा. ये कलर्स का क्लू मेरे को यहाँ पर ही कहीं मिलेगा शायद से. चार कलर्स चाहिए है ना मेरे को. उसमें चार कलर्स डले थे ग्रीन पिंक येलो रेड. ये मत कहना कि मैं ये ग्रीन पिंक येलो रेड अगर डाल दूंगा तो वो गेट खुल जाएगा. ग्रीन पिंक येलो रेड. Bro, I'm God. भाई यार कितना इजी था, गेट खुल गया. हम लोग इस एरिया में आ गए. ये सिर्फ स्टाफ ओनली था. कुछ चीज दिख रहा है यहाँ पे. कुछ तो है ये. आई डोंट नो ये क्या है. ओके यहाँ पे एक ये भी है, डीवीडी भी है. ओके आई गेस इसमें डाल सकते हैं डीवीडी. ओके डाला मैंने. playtime.company. ओके इसका नाम है ग्रैब पैक. इसके अंदर जो चीज है उसका नाम है ग्रैब पैक. इसको हम अपने ऊपर पहनते हैं, ठीक है ना. एंड इसमें दो हाथ हैं, एक रेड है एंड एक ब्लू है. इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं अगर हम इससे पुल करते हैं ना तो चीजों को धक्का देने में या पास लेने में उसका इस्तेमाल होता है. इसका ओनली फायर सिर्फ छोटी चीजों पे इस्तेमाल करो और किसी दूसरे के आदमी के ऊपर इसका इस्तेमाल मत करो, वो मर जाएगा इससे, चोट लग सकती है उसको. एंड इससे जो है हम लोग करंट इससे हम लोग वायरिंग सही करते हैं. अगर वायर खत्म हो जाए, लाइट चली जाए, तो इससे हम लोग वायर सही करते हैं. ओके व्हाट्स द टाइम प्ले टाइम. ये स्लोगन सही है भाई. ओह खुल गया, ये खुल गया, ले सकता हूं अभी मैं. हो डूड. ओके मेरे को ये हाथ मिल गया. ओहो अगर मैं ये बटन दबाता हूँ ना, अगर मैं लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो ये हाथ आगे जाएगा. ब्रो ये भाई ये हाथ बहुत आगे जा रहा है. अरे ये हाथ बहुत दूर तक जा रहा है और ये पावरफुल भी है आई गेस. इससे मैं चीजें उठा सकता हूँ. ओ इससे मैं चीजें उठा के फेंक सकता हूँ. ओके आई गॉट इट. अभी मेरे को क्या करना है, ये जगह थी ना, ओ ये जगह थी ना, इस पे हाथ रखते है. माइंड ओके. अरे यार मेरे को तो और हॉरर गेम्स खेलना चाहिए. आई एम एक्चुअली इंटेलिजेंट ब्रो. इजी. अरे हाथ पीछे आ जा ना. ओके ओ ब्रो 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 ये पुतला है कि असली है. लेकिन भाई इसी का मेरे को चेहरा दिख रहा है, यही आई गेस विलन है. इसका नाम है प्ले टाइम. ये क्या है, हगी वगी. ओके इसका नाम है हगी वगी. प्ले टाइम कंपनी हैज डिजाइंड हंड्रेड्स ऑफ डिस्टिंक्ट टॉयज बट नेट कनेक्टेड विद द पीपल मोर देन हगी वगी अवर फाउंडर. ओके तो इन लोगों ने बहुत सारे टॉयज बनाए लेकिन ये हगी वगी जो है ना ये इनका सबसे फेवरेट था ऐसा बता रहे हैं ये. अवर फाउंडर एलियट लडविग एम्ड टू क्रिएट अ टॉय विच कुड हग
हग यू फॉर एवर। ओके ये अपने को हग करता है, लेकिन तेरे भाई कुछ ज्यादा अजीब नहीं बना दिया इनको भाई? कुछ ज्यादा ही बड़ा पैर नहीं है तेरा भाई? तू मैराथन भाग रहा है क्या? और ये उठ क्या है भाई तेरे? सो मैं अभी इस रास्ते से आया हूँ, आई गेस मेरे को आगे जाने के लिए ये गेट पे इस पे। ओह ब्रो मेरे को लगा इस पे ये बहुत चाबी चाबी की आवाज आई। चाबी कहाँ पे है? आई गेस इस पे टच करना है क्या अभी? ओ ना ये गेट खोलने के लिए मेरे को दो दो हाथ चाहिए, अभी मेरे पास सिर्फ एक हाथ है। चाबी की आवाज कहाँ से आई? मेरे को याद नहीं है, लेकिन जब मैं अभी आया था इधर से तब आई गेस इसके पास ये चाबी नहीं थी। इसके पास ये चाबी अभी आई है। आई डोंट थिंक सो इसके पास चाबी थी। यहाँ से ये हिला भी नहीं है, इसके हाथ पैर भी वैसे ही हैं। ये पुतला ही है ना, ये तू पुतला ही है ना ब्रो? ये हिल रहा है क्या? ये हिल रहा है भाई, ये मेरे को लग रहा है कि ये सच्ची में हिल। ओह माय गॉड ब्रो, ब्रो ये पुतला नहीं है, ये हिल रहा है मेरे हिसाब से। मेरे को नहीं पता, मेरे को चाबी लेनी चाहिए बस। मैंने चाबी ले ली। टेस्टिंग इनोवेशन थिएटर आई गेस टेस्टिंग में जाना है क्या? ओके ये बंद है। मेरे पास चाबी है ना ब्रो? किसकी चाबी मिली मेरे को? पावर। ओह ओके पावर का गेट खुला। स्टाफ ओनली। ओह ओके मेरे को आई थिंक पावर आवर करनी है चालू। कहाँ से करूँ चालू? ओके यहाँ पे पावर कटी हुई है, मेरे को अपने हाथों का इस्तेमाल करना है पावर के लिए। ये निकला हुआ है। ओके ये खोलना है क्या? खोल भाई। ओके ग्रैब ग्रैब द पावर। ओ ओके मेरे को ग्रैब करके टच वायर विद पावर। ओके ये टच करना है पावर के साथ, बट पावर किधर है? ओके इसमें टच करना है क्या? ओ यस इसमें टच करना है। ये चालू हुआ। एक और ऐसा था ना इधर अभी जब मैं आया था। ये चालू करने के बाद मेरे को कुछ तो करना है। ओए ये रहा एक और, इसमें टच करना है मेरे को। आराम से थोड़ा सा और। ओके कर दी चालू, कर दी मैंने चालू। भाई मेरे को हार्ट अटैक आ जाएगा यार। और ये गेम क्यों अटक रहा है भाई? गेम नया गेम है भाई, ये गेम अटक क्यों रहा है? ओके आई गेस मैंने चालू कर दी, मैंने पावर चालू कर दिया। अभी मेरे को साइड से वापस जाना चाहिए जहां से आया था मैं, क्योंकि वो गेट दोबारा। ओ ओ ब्रो ब्रो ये भाग गया। मैं बोला था ये पुतला नहीं है। मैं तुम लोग से बोला था ब्रो पहले, ये पुतला नहीं है, वो असली इंसान था। ओके ये चालू हो गया आई गेस। मेरे को जल्दी वो फ्लावर ढूंढना है, मेरे को किसी और चीज पे ध्यान नहीं देना चाहिए। ओके आज वापस ले मेक अ फ्रेंड। ओके ब्रो तुमने कुछ देखा भाई? तुमने कुछ देखा अभी यहां से? ओपन दिस गेट ब्रो, बहुत ज्यादा अंधेरा है भाई, उसमें नहीं जा रहा मैं। ये क्या है? स्टेयरवे टू हेल? ना भाई हेल में नहीं जाना, ये रास्ता बंद है भाई। इसी की तरफ जा सकता मैं बस, लेकिन इतना ज्यादा अंधेरा है भाई। ओके माय गॉड चल 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 गेट खोल। ओह आई डोंट नो मैं कहां पे हूं, आई डोंट नो मैं ये कहां पे हूं। ओके यहां पे ये मशीन है, मतलब मेरे को कोई डीवीडी चाहिए होगी जानने के लिए। ऊपर चढ़ते हैं, ऊपर ही जाने का रास्ता है। हाँ हगी सेज रिमेम्बर टू टेक ब्रेक्स, ब्रेक्स आर लॉन्गर देन 10 मिनट्स। दिस सोर्स की ब्रेक्स लेना अच्छा है, लेकिन भाई यहाँ पे भी लिख दिया 10 मिनट से ज्यादा ब्रेक लिए तो जूते खाओगे। ओके ओ यहाँ पे ये है,
ओके आई गेस ये रखना है. ओके ये चार चाहिए होंगे मेरे को. मैं नीचे जा सकता क्या? ओके जा सकता हूँ एक्चुअली मैं नीचे. मेरे को ये ढूंढना है जैसे ये है ना. आई गेस मेरे को ये चीज़ कलेक्ट करनी है एंड फिर ऊपर उसमें रखनी है. मेरे को समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे दो दो हाथ चाहिए मेरे को. मेरे पास ये ब्लू हैंड है लेकिन ये रेड हैंड कहाँ गया भाई? ओके वैसे ये वो एरिया है जहाँ पे टॉयज बनते हैं. ब्रो लुक एट दिस भाई क्या डरावना टॉय भाई. कैसे लोग जीते कैसे हैं भाई इसमें? ओह एक येरा. ओके अब बस मेरे को एक और चाहिए. ओह एक येरा मिल गए मेरे को. इजी थे. अभी बस मेरे को ऊपर जाना है. ये खोल सकता क्या मैं? ओके ये खोल सकता हूँ मैं एंड इसको दोबारा से रखते हैं. एक यहाँ पे रखना था. रख दिया. ओ वो मेरा हाथ है क्या दूसरा? यस वो मेरा रेड हैंड है. मेरे को दोनों हाथ मिल जाएंगे अभी. मेरे को दोनों हाथ मिलने वाले हैं. वो आ गया हाथ. ओके ओ ये रहा हाथ मेरा. ओके दोनों हाथ मिल गए मेरे को. अभी आई गेस मेरे को जाना है. अभी देखो बुचुक. एक यहाँ पे और एक यहाँ पे. नाइस अभी ये गेट खुलेगा. ड्यूड खुल गया. ये वापस लेता हूँ मैं. ओके मेरे को इसके अंदर जाना है भाई. ये गुफा है. मेरे को गुफा के अंदर. ओके मेरे को गुफा के अंदर जाना बिल्कुल पसंद नहीं है. ओ मैं इसके ऊपर नहीं चढ़ सकता हूँ. ग्रैब टू कंप्लीट सर्किट. ओके ओ इधर साइड एक रास्ता है जाने का. इसके ऊपर भी नहीं जा सकता मैं. ओके यहाँ पे यार एक्चुअली बहुत बड़ा रास्ता है. ओके ये ग्रैब करना है मेरे को एंड आई गेस इसको ग्रैब करके मेरे को ले जाना है इससे एंड देन आई गेस कुछ तो गलती कर दिया भाई मैं. मेरे को समझ गया है मेरे को यहाँ पे ये लाइट को चालू करना है. मेरे को बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है. ओह अभी मैं समझा कैसे करेंगे. तो एक्चुअली मैं गलत ये कर रहा था कि मेरा हाथ इतना लंबा नहीं है तो क्यों ना मैं रेड वाले से छूता हूँ फिर मैं ऐसा जाता हूँ इसमें छुआ देता हूँ फिर मैं आगे जाता हूँ एंड छुआने के बाद फिर मैं छू लेता हूँ इसको. यस हो गया चालू. चलने लगा ये. लेट्स गो. मैंने चालू कर दी भाई ये मशीन. थोड़ा सा दिमाग लगाना था. दिमाग लगाने के बाद इजी. एक्चुअली पूरा अंधेरा है मेरे को समझ में नहीं आ. ओके ओ माय गॉड कुछ हो कुछ भाई मैं किधर जा रहा हूँ? ओ ओ ओ ओ आ गया मैं बाहर. मैं कोई जगह तो आ गया भाई बाहर. अच्छे ब्रो म्यूजिक बहुत अजीब सा है भाई यहाँ पे. मैं एक्चुअली इसमें से बाहर आया हूँ. यहाँ पे टॉयज बन रहे थे. ओके यहाँ पर डू नॉट एंटर. ये आई थिंक कोई खोलने की जगह है. ऊपर जा सकता क्या मैं कहीं पे? नीड पावर. इसको आई थिंक मेरे को पावर देनी है. मेरे को यहाँ पे पावर चालू करनी पड़ेगी आगे बढ़ने के लिए. आई थिंक ये वही जगह है जहाँ पे टॉयज बनते हैं. मेरे को पावर के लिए कुछ करना पड़ेगा. आई गेस मेरे को ऊपर जाना है. ऊपर जाने का ही रास्ता है बस. ओके इस पूरी जगह पे पावर नहीं है. ओ गिरने वाला था भाई मैं नीचे. इसको इधर साइड करो. ओके ओ ये रास्ता रहा पावर का. ये रास्ता रहा ना पावर का. ये तो लट्ठे मेरे को करने हैं. गॉट इट. मैं समझ गया. मेरे को एक्चुअली पहले जाना चाहिए इसके पास फिर जाना चाहिए इसके पास फिर इधर साइड आना चाहिए. ये है. ओके कर दिया मैंने चालू.
आई गेस पावर आ गई है नीचे। यस पावर आ गई, ये देखो आ गई पावर। अब मैं आराम से नीचे जा सकता हूँ। भाई ये थोड़ा सा हार्ड था, एक्चुअली हार्ड कुछ नहीं, मेरे को बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था क्योंकि हाथ हमारा उतना बड़ा है नहीं, तो अपने को अच्छे से लाइक दिमाग लगाना था। आई गेस इसीलिए आई एम गुड। मतलब तुम देख रहे हो मेरे अंदर कितना दिमाग है, मैंने कितना अच्छा दिमाग लगा कर ओके मैं ज्यादा तारीफ नहीं करता अपनी, हजार बार भाई फेल हुआ मैं इसमें अभी। ओके ओके पावर ऑन कर दिया मैंने। ब्रो भाई मेरे को लगा पावर ऑन नहीं हुआ, चालू हो गया सब कुछ, टॉयज बनने लगे शायद से। एक्चुअली मेरे को फायदा क्या हुआ ये मशीन चालू करके? ओ ओ समझा, मेरे को ये चालू, ये नीचे करने हैं, नीचे कर एंड ये भी नीचे करो, तो अभी यहाँ से टॉयज निकलेंगे। तो ये सारे गेट खोलने थे मेरे को, मतलब दरवाजे खोलने थे, मैंने नोटिस नहीं किया। बट आई गेस मेरे को और भी कुछ करना है, ये गेट खोलना पड़ेगा मेरे को आगे जाने के लिए, ये वाला दरवाजा। लेकिन ये वाले दरवाजे के लिए आई गेस मेरे को यहाँ पर कुछ रखना है। नोबडी लीव्स विदाउट अ टॉय। क्या हुआ व्हाट? ओके यहाँ से टॉयज निकल रही हैं एंड ये सारे के सारे टॉयज निकल के यहाँ पे आएंगे। आई गेस मेरे को कोई तो टॉय चाहिए होगा। ओ टॉय बन रही हैं भाई, छोटे छोटे से पुर्जे जा रहे हैं टॉय के एंड आई गेस कोई टॉय बन के आएगा। ओ ओके यहाँ पे बन रहा टॉय, गॉट इट, यहाँ से आएगा बन के। तो ये प्रोसेस होता है भाई, पहले सिर विर आएगा ठीक है, फिर यहाँ से जोड़ा जाएगा वो टॉय को। जैसे वहां पे तुमने देखा ना ये शेर का छोटा सा पार्ट गया था एंड अभी ये पूरा टॉय बन के आ गया, ये देखो। ओके एंटर हो ये टॉय तो यहाँ से जाना चाहिए था लेकिन ये जगह अभी तक चालू ही नहीं है। ओके ये टॉय मिला है, ये टॉय को मैं यहाँ पे रखूँ क्या? ओके स्कैन हो रहा है आई गेस। ओके खुल गया गेट आई गेस मेरे को आगे जाना चाहिए। ये गेट खुले है क्या? ये गेट इधर जा रहा है। भाई कहाँ पे जाना है मेरे को? I need you alive. Get up. Okay, समझा मैं। अरे यार मेरे को पता होता तभी तो भाई, मेरे को थोड़ी ना पता था सामने वो आ जाएगा यार। मेरे को लगा था कि अभी कुछ नहीं जंप स्केयर आने, मैं भूल भी गया था कि इसके अंदर कोई सोनिक जैसे दिखने वाला भाई 8 फीट के बड़े बड़े पैरों वाला कोई आदमी है। ओके तेरी मम्मी, मेरी मम्मी बोरो हुखा दूला, भाग भाई भाई, मैं गाली। इसके अंदर जाना है, नीचे। ब्रो मेरे को नहीं समझ में आ रहा मैं किधर जाऊं भाई, वो हर जगह आ जा रहे हैं यार। ओके आजा बाहर, तेरी मम्मी मेरी मम्मी सबकी मम्मी, लेट्स गो। हा, ये इधर आएगा मेरे को। ओके मेरे को इधर जाना है, इधर साइड जा। चल रचित तेज, रचित इधर भाई फंस गया था मैं। कैसे फंस गया मैं? भाग। जय माता दी। I am the legend, you the best, Shinchan is the best, everybody is best,
जस्ट गो इधर चल उसके पास नहीं झुक जा, चल नीचे आराम से नीचे, चल सीधा भागना है नीचे इधर आराम से आई कैन डू इट क्या है, भूती तो है उसके पास पैर है तो मेरे पास भी पैर है, मेरे को डरने की जरूरत नहीं है मेरे को बस पता नहीं किधर जाना। ओह माय गॉड, आई डोंट नो मैं इधर कोई रास्ता ही नहीं है। ओके है रास्ता दिखा मेरे को, चल बिल्कुल मेरे पीछे है वो रचित, तेरे को भाग, अरे भाग भाई मेरी मम्मी, ओ ब्रो ओके गेट बंद हो गया, क्या करूं, ये नीचे गिर ओके मर गया भाई, मर गया तेरी ब्रो, मैं नहीं खेल रहा, ये हॉरर गेम तुम्हारा, मैं अपनी लाइफ में मेरी मम्मी ब्रो मेरा पसीना छूट गए, ओह माय गॉड मेरी आवाज नहीं निकल रही भाई। ओके बोरा फ्लावर, ओह माय गॉड ब्रो पॉपी प्ले टाइम, मैंने ये था फ्लावर, आई गेस आगे बढ़ना है अपने को। हो चलो आगे, मैं कोई घर में आ गया पता नहीं कहाँ से। आई डोंट नो ये क्या है, मैं घर में भाई, अभी फैक्ट्री से घर में आ गया मैं। ओके ये रही पॉपी फाइनली डॉल मिल गई भाई। हाय पॉपी गेट खोलता मैं। ओके You opened my case. Bro! मैंने पॉपी को छोड़ दिया। Chapter 1 complete. ये था पॉपी प्ले टाइम Chapter 1. I don't know मैं तुम लोगों को क्या बोलूं dude. मेरी आवाज नहीं निकल रही है। My God for real मेरे को बहुत ज्यादा हालत ओके सो या गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप तुम लोगों को ये Chapter 1 पसंद आया हो। सो ये था पॉपी प्ले टाइम Chapter 1, मैं मिलूंगा तुम लोगों को एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।